यहाँ से सीनरी बहुत ही अच्छा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल खोज इंडिया। मैं हूँ चंदन। ये है मेरे सामने ब्रांड न्यू TVS अपाचे RTR 164V। मैं अभी हूँ साउथ TVS शोरूम हलीसौर में। तो इस बाइक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल आए थे और ये बाइक आप देखना चाहते थे बहुत दिनों से। तो ये बाइक अल्टीमेटली आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका प्राइस और सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक में नयापन क्या है, ये बाइक क्यों लेना चाहिए। वैसे 160 TVS अपाचे 4V एक बहुत ही अच्छा बाइक है। बहुत सारे पॉजिटिव रिमार्क्स इस बाइक के बारे में है। अनडाउटेडली TVS एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये TVS अपाचे एक रिनाउंड बाइक है, बहुत ही अच्छा बाइक है। तो मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा इस बाइक को लेके, सारे स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, सब कुछ मैं आपको इस बाइक को लेके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए लुक कैसा है, इसका स्टिकरिंग डिज़ाइन, ग्राफिक्स कैसा है, वो सबसे पहले आप देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,08,300 रुपीज़। ये एक शोरूम प्राइस है और ये जो कलर है ये है रेसिंग रेड। इसके अलावा आपको और दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है मेटालिक ब्लू और दूसरा है ब्लैक, नाइट ब्लैक कलर। ये तीनों कलर वेरिएंट में ये बाइक आपको मिल सकता है। फुल LED DRL और LED हेडलैम्प इस बाइक में है। ये DRL का जो डिज़ाइन है, जो लुक्स है, फैंटास्टिक है, फैंटाबुलस है इसके जो लुक्स है। और सामने देखिए ये फ्रंट मार्टगार्ड के ऊपर यहाँ पर TVS रेसिंग लिखा हुआ है और 4 मिलियन सेलिब्रेशन, मतलब 4 मिलियन TVS अपाचे बाइक अभी तक TVS ने सेल किया है। ये एक बहुत ही अच्छा बात है। वैसे TVS अपाचे के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, एक ब्रांडेड रिपूटेड बहुत ही अच्छा बाइक है। मार्केट में इसका जो रीसेल वैल्यू है और जो मेंटेनेंस है, जो रेपुटेशन है, वो बहुत ही बढ़िया है। पीछे यहाँ पर RTR 164V लिखा हुआ है। ये जो स्टिकर क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। साइड में यहाँ पर अपाचे लिखा हुआ है और फ्रंट, ये फ्रंट फ्यूल टैंक के ऊपर जो स्टिकरिंग है, जो क्वालिटी है और जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा है। ये 3D में हॉट्स TVS का जो लोगो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और फ्यूल टैंक के ऊपर भी ये डिज़ाइन रेड ब्लैक और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। डिज़ाइन बहुत ही लुक्रेटिव है, आई कैची है। फ्यूल टैंक काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी एग्रेसिव है इसका जो फ्यूल टैंक है। सीट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है फुल्ली डिजिटल है यहाँ पर। और फ्यूल टैंक के सामने यहाँ पर RTR 160 लिखा हुआ है। ये हैंडल बार स्ट्रेट अपराइट हैंडल बार है, शॉर्ट राइड और लॉन्ग राइड में बहुत ही कंफर्टेबल है, कंफर्ट आपको मिलेगा। राइडिंग कंफर्ट इस बाइक में बहुत ही अच्छा है। और ये सामने इंजन कॉल, यहाँ पर हाइपर एज लिखा हुआ है, RTR FI रेस ट्यून्ड, ये सारे TVS अपाचे बाइक में अभी है। तो ये एक रेसिंग बाइक भी आप कह सकते हो, एक स्पोर्टी एग्रेसिव रेसिंग बाइक है ये TVS अपाचे RTR 164V विद BS6 कंप्लाइंट इंजन। और ये राइट साइड में भी पीछे RTR 164V लिखा हुआ है, यहाँ पर अपाचे स्टिकर है, सामने हाइपर एज स्टिकरिंग है। ये इंजन कॉल के ऊपर, ये फ्यूल टैंक के ऊपर राइट तरफ जो डिज़ाइन है विथ 3D ये स्टिकर, ये लोगो, और ये तो फ्यूल टैंक है। तो इस साइड से भी बाइक ऐसा दिखता है। और पीछे की तरफ ये टेल लाइट्स जो वेल डिज़ाइन फुल्ली LED प्रोमिनेंट टेल लाइट्स है। मैं दिन में ये बाइक वॉक अराउंड कर रहा हूँ इसीलिए लाइटिंग इफेक्ट उतना नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल दिखने में ये बाइक ऐसा है, बहुत ही कमाल का बाइक है ये TVS अपाचे RTR 4V। आइए आप कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले टायर्स एंड व्हील्स, सामने और पीछे 17 इंचेस एलॉय व्हील के साथ ये ब्लैक कलर का एलॉय व्हील है, उसमें यहाँ पर TVS रेसिंग लिखा हुआ है और ये रेड कलर का डिज़ाइन है। स्टिकरिंग बहुत ही अच्छा दिखता है ये डिज़ाइन।
और ये अलॉय व्हील है विथ ट्यूबलेस टायर। TVS रेमोरा ट्यूबलेस टायर इस बाइक में है और फ्रंट टायर का जो साइज है ये है 90x90 और पीछे भी 17 इंचेस रिम साइज में अलॉय व्हील के साथ इसमें जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है और इसका साइज है 110x80। जो व्हील बेस है ये है 1357 mm। और आप देख लेते हैं सस्पेंशन, सामने ये टेलीस्कोपिक फोर्क है और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर इस बाइक में है। और आप देख लेते हैं इंजन, 159.7 cc SI 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इस बाइक में है। और इंजन के सामने ये इंजन कॉल भी है, यहाँ पर हाइपर एज लिखा हुआ है। रेड कलर का बाइक है इसलिए रेड कलर का यहाँ पर इंजन कॉल भी दिया हुआ है। TVS का जो इंजन है एक बहुत ही रेपुटेड और ब्रांडेड है, इसका मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर है ये है 16.02 PS एट द रेट 8250 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 14.12 Nm एट द रेट 7250 RPM। फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, कोई किक स्टार्ट ऑप्शन नहीं है, ऑनली सेल्फ स्टार्टिंग ऑप्शन ही आपको मिलेगा। और आप देखते हैं ब्रेक्स कैसा है, इस बाइक में ड्यूल डिस्क ब्रेक है। फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है इसका साइज है 270 mm पेटल डिस्क ब्रेक इस बाइक में है और पीछे 200 mm पेटल डिस्क ब्रेक इस बाइक में दिया हुआ है। एंड ऑफकोर्स सुपर मोटो ABS है, सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, वैसे ये बाइक सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ भी मिलेगा आपको, उसका प्राइस थोड़ा कम होगा, मैं आखिर में आपको प्राइस बता रहा हूँ। लेकिन ये जो बाइक है ये डुअल पेटल डिस्क ब्रेक के साथ है विथ सिंगल चैनल ABS और 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ इसमें 12 लीटर आप फ्यूल फिल कर सकते हो। और जो डिज़ाइन है फ्यूल टैंक का काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी लुक्रेटिव है। ये कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये है रेसिंग रेड कलर। साइड में जो कंपनी का लोगो है 3D में और जो स्टिकरिंग है बहुत ही अच्छा है। फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी एग्रेसिव है। यंग जनरेशन हो या फिर मिडिल एज पर्सन के लिए ये बाइक डिज़ाइन लुक्स वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख लेते हैं, फुल डिजिटल वेरी इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, क्लॉक है, सर्विस रिमाइंडर है, ट्रिप मीटर है, RPM मीटर है, सारे बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। फुल्ली डिजिटल एक नेकेड स्पोर्ट्स लुक है ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, बहुत ही अच्छा दिखता है और वेरी इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक में कंपनी ने दे दिया है। यहाँ पर देखिए लो फ्यूल इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सारे इंफॉर्मेशन ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको मिलेगा। और ये अपराइट हैंडल है, राइडिंग कम्फर्ट बहुत ही बढ़िया है, सिटी राइड हो या फिर लॉन्ग राइड में कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दाहिने तरफ ये हैंडल के ऊपर ये इंजन की स्विच है, ये आपको स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्विच है, इग्निशन की है। और बाएं तरफ ये पासिंग लाइट स्विच है, ये डिम डीपर का स्विच है, ये इंडिकेटर है। स्विचिंग कंपोनेंट्स और स्विचिंग का जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है, यूज हुआ है जो कंपोनेंट्स इसमें है। और हॉर्न भी सुन लेते हैं, काफ़ी लाउड हॉर्न है, बहुत ही अच्छा हॉर्न ये स्विचिंग गियर्स इसमें दिया हुआ है। और फुल्ली LED हेडलाइट इसमें है विथ LED DRL। DRL का जो डिज़ाइन है बहुत ही प्रोमिनेंट लाइट है और डिज़ाइन भी बहुत ही आई कैची है, बहुत ही अच्छा दिखता है ये डिज़ाइन। मैं आपको ये बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसका जो लाइट्स है फुल्ली LED लाइट्स, आपको बहुत ही प्रोमिनेंट लाइट आपको मिलेगा इसमें। और टेल लाइट्स भी देखिए, ये फुल्ली LED है, काफ़ी ब्राइट लाइट है, रात के अंधेरे में ये LED टेल लाइट्स बहुत ही अच्छा काम करेगा और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल लाइट्स काफ़ी प्रोमिनेंट है एंड फुल्ली LED हेडलैम्प और टेल लाइट्स आपको मिलेगा। ये जो इंडिकेटर लाइट है ये क्रिस्टल क्लियर है, अनब्रेकेबल नहीं है, लेकिन ये क्रिस्टल क्लियर लाइट आपको ये इंडिकेटर में मिलेगा। चारों इंडिकेटर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लाइट आपको देगा। और ये लाइट रिफ्लेक्टर दोनों तरफ है, दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों रिफ्लेक्टर आपको मिलेगा। तो ओवरऑल इस बाइक का जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स और मटेरियल इसमें यूज हुआ है। इस बाइक का जो प्राइस है 1,08,300 rupees,
ये एक शोरूम प्राइस है। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप नियरेस्ट शोरूम में जाइए, एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस आप पूछिए। और ये बाइक तो ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ है विथ सिंगल चैनल ABS, लेकिन सिंगल डिस्क ब्रेक विथ पीछे ड्रम ब्रेक, ड्रम ब्रेक का जो डायमीटर साइज है वो है 130 mm, तो उसके साथ भी आपको मिलेगा, प्राइस थोड़ा कम होगा। और सिंगल डिस्क का जो प्राइस है वो है 105,300 rupees। ये एक शोरूम प्राइस इन वेस्ट बंगाल है। ऑन रोड प्राइस आप नियरेस्ट शोरूम में जाके पूछ सकते हो। और इजी फिनेंस स्कीम ये हर एक शोरूम में आपको मिलेगा। 20% अप्रॉक्सीमेटली डाउन पेमेंट देने से आपको ये बाइक 2-3 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बहुत ही आसान है। सारे शोरूम में अभी बहुत सारे स्कीम चल रहा है, तो आप ये बाइक आराम से ले सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट कि एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। और आप सीट भी देख लीजिए, ये सिंगल पीस सीट है, कोई स्प्लिट सीट नहीं है। और सीट कुशन क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है। डुअल टोन सीट इसमें दिया हुआ है, कलर बहुत ही अच्छा है। और ऊपर से ये ग्रैब बार, स्प्लिट तो नहीं है लेकिन ग्रैब बार काफ़ी सॉलिड है, हार्ड है, लेकिन सीट का जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा है। वेल कुशन कंफर्टेबल सीट इस बाइक में आपको मिल जाएंगे। और अब मैं आपको इसका जो टोटल डायमेंशन है वो बता देता हूँ। इस बाइक का जो हाइट है वो है 1050 mm, जो लेंथ है वो है 2035 mm, जो विड्थ है ये है 790 mm, जो व्हील बेस है ये है 1357 mm, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 180 mm। 800 mm सीट हाइट के साथ जो कार्बोइड है ये ड्यूल डिस्क ब्रेक का वो है 149 kg, लेकिन सिंगल डिस्क ब्रेक में कार्बोइड है 147 kg। और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये है 12 liters। फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ BS6 कंप्लाइंट ये बाइक है। आपने बहुत दिनों से इस बाइक के बारे में पूछा था, तो आज मैं आपको दिखा दिया ये ब्रांड न्यू बाइक। आई रिकमेंड कि आप ये बाइक ले सकते हो, एक बार टेस्ट राइड दीजिए, और अगर बजट परमिट हो तो ये बाइक आप ले सकते हो। मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, इजी मेंटेनेंस के साथ ये बाइक है। लेने के बाद 2-3 साल बाद अगर सेल करना चाहते हो तो रीसेल वैल्यू भी बहुत ही अच्छा है TVS Apache RTR का। और हमेशा ऑथोराइज्ड शोरूम से ही आप सर्विसिंग कराइए, जेन्युइन इंजन ऑयल इसमें डालिए, और टाइम टू टाइम एयर प्रेशर भी चेक करिए, तो परफॉर्मेंस और माइलेज आपको और भी अच्छा मिलेगा। और इसका जो माइलेज आपको मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली 40-45 kilometers पर लीटर ऑन एंड एवरेज माइलेज आपको मिलेगा। और ये जो साड़ी गार्ड है ये अलग से लगाना नहीं पड़ेगा, कंपनी ने ये ऑलरेडी दे रखा है। और ये जो फुट पैक्स है, जो सारे कंपोनेंट्स है जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है काफ़ी अच्छा है। एक कंप्लीट फैमिली बाइक है ये TVS Apache RTR 160 4B ये एडिशन है। एंड ऑल्सो कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये बाइक बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा है। पिकअप, एक्सीलरेशन, मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलमोस्ट दे दिया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स बटन के ऊपर प्रेस कर दीजिए। और आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मैं साउथ TVS हालीसौर का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन प्लीज़ ऑफिस टाइम में फ़ोन करिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और बाइक हो या फिर स्कूटर कुछ भी लीजिए, लेकिन ड्राइव करते वक्त अपना हेलमेट पहनना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।